अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्रा रिजवान। मेरी आपको पिछली वाली रेसिपी आई होप पसंद आई होगी, बैगन आलू। ये देखिए मैंने इसके पिक शो ऑफ की है अपने वीडियो पे। और आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी से अरबी गोश्त का सारण। और मेरी रेसिपी जो होती हैं वो होती हैं ट्रेडिशनल रेसिपीज़। मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई एक बार लाजमी कीजिएगा प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है गाइस। चलें अब मैं आपको अपनी सेकंड रेसिपी देती हूँ। अरबी गोश्त जो है रवायती तरीक़ों से मैं तैयार करती हूँ अपने सारे खाने। ओके चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अरबी गोश्त। हमने एक पैन में जो है हाफ कप ऑयल गरम करके इसे हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाले में है 4-5 आप ले लीजिए काली मिर्च, एक लौंग और दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए। इसको गरम करने के बाद थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन अदरक गोश्त डालेंगे पहले हम लोग। गाइस हमने अपना गोश्त डाल दिया है, मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें अपना लहसुन अदरक का एक चम्मच लहसुन अदरक डालेंगे और इसको भून लेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून हम डाल टीस्पून हम डालेंगे इसमें चीनी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें तेल जो है बिल्कुल अलग हो चुका, मसाला हमारा अलग है, बहुत अच्छी लुक आ रही है उसकी, खुशबू कमाल की है। अब हमने इसमें क्या करना है, 1/2 ग्लास पानी डालकर ना हमने इसे तकरीबन छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए, वो जो है हमारा गल जाएगा। गोश्त गलने के बाद ओके इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही और इसको हम भून लेंगे। गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अरबी। और मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप अरबी जब आपको पील ऑफ करते हैं उसको तो आपके हाथों में हो जाती है ईचिंग, तो उसकी छोटी सी टिप ये है कि जब आप अरबी छीलने बैठें उससे पहले अपने हाथ में आप सरसों का तेल मल लें और उसके बाद आप जो है ना अरबी छीलें, उससे आप देख लीजिएगा उसको आपको ईचिंग नहीं होगी। ये डाल रहे हैं हम अपनी अरबी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये अरबी जो है गल जाए हमारी। 1/2 कप या 1 कप आप पानी ऐड करें और अरबी गलने के लिए छोड़ दें। अभी हमने जो इसकी फ्लेम की थी बॉयल आ गया, अब हम लाइट फ्लेम कर देंगे और इसको अरबी को हम गला लें। लुक गाइस मैंने इसकी लिड रख दी है, अब ये गल जाएगा। तो फिर हमारा लास्ट का ये वर्क रह गया है, लास्ट में हम क्या करेंगे इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे और अगर एज रिक्वायर्ड आप इसमें डाल सकते हैं पिसा गरम मसाला फॉर गार्निशिंग। हमने लास्ट में इसमें डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और इफ़ यू वांट आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर लास्ट में। ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन प्रेस आइकन ताकि आपको मेरी जितनी नई आने वाली वीडियोस हैं आपको जो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।